अभिमन्यु जो कि धनुर्धारी अर्जुन के और माता सुभद्रा के पुत्र थे, और तो और ये भगवान श्री कृष्ण के नेफ्यू थे। और जब कौरवों ने महाभारत में अर्जुन के एब्सेंस में चक्रव्यूह की रचना की थी, तब अर्जुन के अलावा सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु ही ये जानते थे कि चक्रव्यूह के अंदर एंटर कैसे किया जाए, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए। फिर भी उन्होंने वीरतापूर्वक चक्रव्यूह के अंदर एंट्री ले ली थी। और जब वो चक्रव्यूह के अंदर एंटर हुए थे, तब कौरवों ने वॉर के सारे नियम तोड़ दिए और छल से अभिमन्यु का वध कर दिया। लेकिन आप यहाँ सोच सकते हैं कि अगर अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण के नेफ्यू थे तो वो चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं बचाया। तो इसके पीछे के रीज़न हम आज ही के इस वीडियो में जानेंगे। रीज़न नंबर वन, महाभारत शुरू होने से पहले सभी देवी देवताओं ने अपनी आपसी सहमति से ये डिसाइड किया था कि वो अपने अपने अवतार या अपने अंश को धरती पर भेजेंगे ताकि वो इस महान गाथा यानी महाभारत को अंजाम दे सकें। जैसे भगवान विष्णु ने अपने अवतार श्री कृष्ण को धरती पर भेजा, इंद्रदेव ने अपने अंश अर्जुन को धरती पर भेजा, उसी तरह चंद्रदेव से कहा गया था कि वो अपने पुत्र वर्चा को धरती पर अवतार लेने दें ताकि वो इस वॉर में पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन चंद्रदेव को अपने पुत्र से बहुत ही ज़्यादा लगाव था और वो इतने लंबे टाइम के लिए अपने पुत्र से सेपरेट होना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर बाद में ब्रह्मदेव ने चंद्रदेव को ये एश्योरेंस दिया कि उनका पुत्र धरती पर बहुत ही कम टाइम के लिए रहेगा और इस कम टाइम में भी वो अपनी वीरता का वो प्रमाण देगा जिसकी प्रशंसा लोग युगों युगों तक करेंगे। और इस बात पे चंद्रदेव मान गए और बाद में वर्चा ने धरती पर अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया और अपनी वीरता का प्रमाण भी दिया। और यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण भी अभिमन्यु की मृत्यु होने से नहीं रोक पाए, क्योंकि वो जानते थे कि अभिमन्यु की लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट है और उसे इस धरती से जाना ही होगा। रीज़न नंबर टू, वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अभिमन्यु के हाथों दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से दुर्योधन ने संतान को खोने का दुख महसूस किया था। और लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग ये सेम पेन और दर्द अर्जुन को भी फील होना जरूरी था, जिस वजह से बाद में अभिमन्यु की डेथ की वजह से अर्जुन ने भी अपने संतान को खोने का दुख और दर्द महसूस किया। रीज़न नंबर थ्री, ये तो हम सभी जानते हैं कि धनुर्धारी अर्जुन ने वॉर के इनिशियल स्टेज में वॉर में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। वो तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान देकर और कर्तव्य को निभाने की सीख देकर वॉर में पार्टिसिपेट करवाया, लेकिन तब भी अर्जुन के अंदर की ट्रू पोटेंशियल अभी बाहर नहीं आई थी। वो तो जब उन्होंने अपने पुत्र अभिमन्यु को खोया तब उनके अंदर का ट्रू पोटेंशियल बाहर आ गया था बदले की भावना के कारण। और इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्जुन ने ये डिसाइड कर लिया कि वो किसी भी कीमत पे शत्रुओं का सर्वनाश करके ही रहेंगे, तो इस वजह से अभिमन्यु का बलिदान ज़ाया नहीं गया। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा इस बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आप अपने फेवरेट महाभारत कैरेक्टर के बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और रही बात मेरे फेवरेट महाभारत कैरेक्टर की, तो वो है भगवान श्री कृष्ण। नाउ क्विज टाइम, तो फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है, और ऑप्शंस भी दिए गए हैं। और क्वेश्चन है कि इस दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियन कौन सा है।